आज मैं आपको इस वीडियो में ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप किसी भी फोटो का आप चुटकियों में बैकग्राउंड हटा सकते हो, पीएनजी बना सकते हो किसी फोटो का। ओके गाइस, अगर आप यूट्यूबर हो तो थंबनेल बनाने के लिए आपको अपने फोटो का बैकग्राउंड हटाना पड़ता है। अगर आप फोटो एडिटर हो तो भी आपका अपने फोटो का बैकग्राउंड एडिट करने के लिए या बैकग्राउंड चेंज करने के लिए अपने फोटो का बैकग्राउंड रिमूव करना पड़ता है, अपने फोटो को पीएनजी बनाना पड़ता है। तो उसके लिए आपको बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन मैं आज आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा, एक ऐसी वेबसाइट बताऊंगा जिससे आप जो है अपने बैकग्राउंड, फोटो का बैकग्राउंड जैसे चुटकियों में रिमूव करोगे, चुटकियों में। ये गाइज एक टोटल एआई पर काम करता है, सिर्फ आपको उसको कमांड दे देना है, बस हो चुका। कमांड दिए, आपका बैकग्राउंड हटा, चंद सेकंडों में ऐसे करके हटा देगा बैकग्राउंड, चंद लम्हों में या चंद सेकंडों में। ओके, तो गाइज उससे वेबसाइट को रिवील करने से पहले, उसको बताने से पहले, मैं ये चाहता हूं कि आप जो है अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा। ओके गाइज, आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है और हम लोग अच्छे अच्छे कॉन्टेंट्स ढूंढ के आपके लिए लेके आते हैं। ओके गाइज, तो चलिए हम आपको आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं आपको बताता हूँ वो वेबसाइट या वो टूल कौन सा है। गाइज, इस फोटो का अगर बैकग्राउंड हटाना चाहते हो तो इसको हटाने के लिए बस चुटकियों में काम करना है। आपको क्या करना है, सीधा चलिएगा अपने क्रोम में लिखिएगा बीजी। क्या लिखिएगा? बीजी। तो ऐसे क्रोम हमारा खुल के आ गया, तो इसमें हम लिखते हैं बीजी। क्या लिखते हैं? बीजी, बस सिर्फ बीजी। बीजी लिखोगे और यहाँ पे सर्च का आइकन पर क्लिक कर दोगे। जैसे सर्च पर आइकन पर क्लिक करोगे सीधा एक पहली नंबर पर एक वेबसाइट आएगी, रिमूव बैकग्राउंड। क्या आएगी? रिमूव बैकग्राउंड। उसके नीचे लिखा रहेगा https। तो यानी कि ये यस लगा हुआ है, ये एक सर्टिफाइड वेबसाइट है, इसमें बग्स नहीं है, इसमें हैक वाली कोई चीजें नहीं है, ये हैकर बनाई गई वेबसाइट, हैक वाली मतलब कि इसमें मालवेयर नहीं है। ओके गाइस, तो ये सर्टिफाइड है, रजिस्टर्ड वेबसाइट है। अब इसके नीचे लिखा, इसके आगे क्या लिखा हुआ है? www.remove.bg। ओके, तो यही आपको वेबसाइट चूज करना है, कोई अलग वेबसाइट नहीं यूज करना है। ओके, तो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे से कर देना है क्लिक। जैसे आप इस वेबसाइट पे से क्लिक करोगे तो फिर से कुछ खुल के इंटरफेस आएगा, वो इंटरफेस कुछ इस तरीके से खुल के आएगा। देखो ऐसे कुछ इस तरीके से इंटरफेस खुल के आएगा। यहाँ पे लिखा रहेगा अपलोड इमेज। क्या लिखा रहेगा? अपलोड इमेज। तो इस पर आप क्लिक कर देना अपलोड इमेज पर, तो आपका जो है गैलरी खुल के आएगा। क्या खुल के आएगा? गैलरी खुल के आएगा। अब आपको वो इमेज सर्च कर लेना है या सिलेक्ट कर लेना है जिसका आपको बैकग्राउंड हटाना था। तो हमें इस वाले इमेज का बैकग्राउंड हटाना था, तो उसको हमने सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे इसे डन पर क्लिक कर दिया। जैसे डन पर क्लिक करोगे यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन चालू हो जाएगा। ओके गाइज, अपलोड हो चुका है ये, पर ये अब अपलोड हो गया। बस देखो चुटकियों में इधर अपलोड किया, इधर बैकग्राउंड हो चुका, बैकग्राउंड हट गया। देखो ये हमारी पीएनजी फोटो हो गई, बैकग्राउंड हट गया। अब इस पे यहाँ पे आपको कर लेना है डाउनलोड। जैसे डाउनलोड करोगे यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, मार दोगे आप यहाँ पे, ये फोटो डाउनलोड हो गई है। अब गाइस देखो इस फोटो के अंदर में पीएनजी में बन गया। ये जो आपको सफेद सफेद दिख रहा है ना, ये बैकग्राउंड नहीं है। आप जहां थंबनेल पे एडिटिंग करने के लिए यूज करोगे तो इसका बैकग्राउंड हट चुका है, ये पीएनजी में हो गया। अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे, नहीं आपको विश्वास नहीं होगा, सफेद सफेद दिख रहा है ना आपको। देखो हम यहाँ पे अपने चले एडिटर में आने के बाद में या पिक्सल लैब में आने के बाद में हमने यहाँ से चूज कर लेते हैं वो फाइल हमको जो एडिट करना है, जो हमने अभी डाउनलोड किया। गाइज वो यही डाउनलोड फाइल किया। अब देखिए गाइज ऐसा कुछ करके आ गया। अब इस पर क्लिक करेंगे, ये देखो गाइज इसका बैकग्राउंड हट चुका, एकदम से मस्त चुटकियों में। देखो चुटकियों में आप इसको कहीं भी एडिट कर सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो। गाइज इसको आप कहीं भी लगा सकते हो। इसे चुटकियों में अगर आप बैकग्राउंड हटाना चाहते हैं तो बस आपको क्या करना है, सीधे क्रोम पे चलना है। क्रोम पे जाने के बाद में आपको लिखना है www.bg। ओके गाइज सीधा क्रोम पे चलना है। क्रोम पे चलने के बाद में आपको लिखना है bg। क्या लिखना है? बीजी लिखना है। बीजी लिखोगे तो कुछ इस तरीके साइड आ जाएगी, फिर ऐसे करके अपलोड इमेज पे क्लिक करोगे, जो आपका इमेज का लोगो जो है पीएनजी बनाना है। मान लीजिए हम इस फेसबुक का लोगो का पीएनजी बनाना चाहते हैं तो डन कर देंगे। जैसे डन करेंगे तो इसे पीएनजी बन के आ जाएगा हमारा लोगो। देखिए गाइज ये हमारा फेसबुक का लोगो पीएनजी बन के आ चुका। क्या? पीएनजी बन के आ चुका। इसको आप ऐसे डाउनलोड कर लीजिएगा। अगर आप इसको कलरफुल में चाहते हैं या अलग कलर में इसको, इसका बैकग्राउंड अलग चेंज करना चाहते हैं तो आप नीचे क्लिक कर दीजिएगा, ये आपको कई सारे कलर्स में दिखा देगा आपको बैकग्राउंड के साथ में। तो गाइज इस पे आप क्लिक कर दीजिएगा, मान लीजिए जो आपको कलर अच्छा लगता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा। जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद क्रिएटिव डिजाइन पर क्लिक करोगे, सीधा लेके जाएगा आप कैनवा में, वहां से एडिट वेडिट करके आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके गाइज, तो मैं आशा करता हूँ आप जो है अपने फोटो का पीएनजी बनाने में या फोटो का बैकग्राउंड हटाना
समझ गए होंगे, चंद लम्हों में आप अपने फोटो का पीएनजी बना सकते हो। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक से, तब तक के लिए जय हिंद।